नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आप हमारे नंबर 9136934083405 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जाकर आप हमारे पेज पर अपने सवाल भेज सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक ले जाएंगे। अगर कोई सवाल रह जाता है तो अगले हफ्ते इसी वक्त 4:30 to 5 के बीच में आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। दीपेन शाह हैं stevn.com से, और साथ ही कोटक सिक्योरिटीज से रविंद्र वी राव हैं। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ सोतेश पर स्वागत है। सबसे पहले आज शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। जिस तरह की गिरावट यहाँ पर दिख रही है, गोल्ड अब 400 रुपये से ज़्यादा गिर चुका है। 50,000 का लेवल जो कल वापस से रीगेन किया था वो पूरी तरह से वाइप आउट हो चुका है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, ये गिरावट और बढ़ेगी? आपको क्या लग रहा है, एक तरफ से इक्विटी में भी तेजी नहीं आ रही है, कमोडिटी भी गिर रहा है, गोल्ड को भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या अभी दूर रहने की सलाह आप देंगे, या समय है नीचे के लेवल पर खरीदारी करें? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, वोलेटाइल तो रहेगा मार्केट, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो डेवलपमेंट चल रहा है उसके चलते वोलेटिलिटी हम इसमें ज़रूर देखेंगे। लेकिन जैसे गोल्ड ने फिर से रिक्लेम किया है 50,000 को, पिछले वीक में भी हमने कहा था कि अगर कोई भी डिप आता है तो फिर से एक बार बाइंग करना चाहिए गोल्ड में, क्योंकि ट्रेंड जो है वो अभी पॉजिटिव है। हालांकि थोड़ा सा जो प्रीमियम बिल्ट इन था वो खत्म हो गया था पिछले वीक में, लेकिन अभी मेरे हिसाब से फिर से एक बार हम जो प्रीमियम बिल्ट इन है वो फिर से एक बार देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो पॉजिटिवनेस है वो कंटिन्यू रहेगा, और हमें लगता है कि फिर से एक बार 50,250 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो डिप में बाइंग करने की ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 49,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका एक बार स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और नीचे में 49,900 के आसपास अगर आता है तो बाइंग में ही रहना चाहिए। डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी वीकनेस है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो अभी पॉजिटिव है गोल्ड के लिए, तो वोलेटिलिटी रहेगी लेकिन डिप में खरीदारी करनी चाहिए। सिमिलरली सिल्वर में भी मेरे हिसाब से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पास में है सिल्वर। अगर वो ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर 65,500 तक के लेवल्स हम सिल्वर में देख सकते हैं। 64,300, 64,400 का ये ब्रेकआउट जोन है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही क्विक 1,000 rupees का अपमूव हम सिल्वर में देख पाएंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं, डिप में बाय करना चाहिए। सिल्वर को अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो आई थिंक ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं। आप क्या मानते हैं, आपको भी लग रहा है कि डिप पे गोल्ड को बाई करना बेहतर स्ट्रेटजी होगी? हालांकि काफी वोलेटाइल है, आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? जी, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, अगर आप पिछले हफ्ते की हमारी कन्वर्सेशन रिकलेक्ट करेंगे तो उस समय हमने दर्शकों को बताया था कि गोल्ड में थोड़ा मोमेंटम ज्यादा पॉजिटिव है कंपेरेटिवली टू सिल्वर, और आपके सामने है कि गोल्ड में अच्छी खासी तेजी आ गई थी फ्रॉम 48,000 to 50,000 एंड अबव, लेकिन सिल्वर वही रेंज में ही अटका था 62,000 to 64,500 के। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक शायद सिल्वर एक थोड़ा कैचअप प्ले कर सकता है, और क्योंकि गोल्ड में अच्छी तेजी आ गई है तो वो कैचअप के लिए आप नेक्स्ट हफ्ते का रुझान में प्ले कर सकते हैं, और सिल्वर ये डिप्स में आप बाई करके चलिए। अगले हफ्ते का व्यू रखेंगे तो हम 65,500 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए अगले कॉलर का भी सवाल ले लेते हैं। कमल खेतान, उन्होंने सवाल भेजा है कि निकेल और गोल्ड में आज क्या करना चाहिए। रविंद्र जी, क्या करना चाहिए निकेल और गोल्ड में आज? जी, गोल्ड में मेरे हिसाब से बाइंग में रहना चाहिए। 49,900, 49,850 पे अगर डिप मिलता है तो गोल्ड में बाइंग करके चल सकते हैं। फिर से एक बार 50,200 से 50,250 तक के लेवल दिख सकते हैं। और निकल में भी आई थिंक निकल में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा, हो सकता है कि 1,815-1,820 तक जाए। 1,780 जब तक होल्ड है तब तक बाइंग में रह सकते हैं। 1,780 के नीचे अगर चलता है तो फिर थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है टुवर्ड 1,760। तो मेरे हिसाब से दोनों में ही बाई करके चल सकते हैं, बट विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। राकेश गर्ग गाजियाबाद से, इनका सवाल चांदी है। 63,811 रुपए पे इन्होंने चांदी खरीद रखी है। दीपेन, क्या सलाह देंगे इनको?
देखिए स्टॉप लॉस रखे 62,700 के पास अगर ट्रेडर है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं इन द सेंस के एक महीने से डेढ़ महीने का व्यू भी रखते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो आप थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस 59,500 60,000 के आसपास रखिए, तो आपको डेढ़ से दो महीने में अच्छी खासी तेजी यहाँ से देखने मिल सकती है। बिकॉज जैसे ही कंसल्टेशन के बाहर सिल्वर आएगा तो वो अपना जितना भी टाइम कंसल्टेशन के लिया है वो सभी कवर करके आपको एक इमीडिएट अपसाइड दे सकता है विद इन नो टाइम। तो आई थिंक हम काफी बुलिश है सिल्वर पे, और तेजी भी बहुत ही कम समय में आ सकती है, तो डेफिनेटली पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। तो ये भी है चांदी को लेकर, स्टॉप लॉस जो दीपेन बता रहे हैं इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो डेफिनेटली लगाइए, इन्वेस्टर हैं तो हो सकता है कि आप छोड़ भी दें क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तेजी का है, लेकिन अब शॉर्ट टर्म या पोजिशनल व्यू है तो ज़रूर लगा लें। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं, संजय भंडारी हैं। निकेल और क्रूड में आज क्या करना चाहिए? निकेल और क्रूड में दीपेन आपका व्यू क्या होगा? देखिए क्रूड तो डेफिनेटली जैसे हमने बताया था कि काफी ओवरसोल्ड लग रहा था पिछले हफ्ते और सेलिंग आ चुकी है। सेकंड मंथ कॉन्ट्रैक्ट अगर देखेंगे तो आप लगभग 100-125 पॉइंट की डिस्काउंट पे चल रहा है, तो आज के दिन तो कोई ट्रेड ना करे वही ज्यादा बेटर रणनीति होगी, बिकॉज आप डिस्काउंटेड कॉन्ट्रैक्ट पे शॉर्ट सेलिंग रिकमेंड भी नहीं कर पाएंगे, और बाइंग तो काफी ओवरबॉट है तो वेट ही करना चाहिए। बेटर है कि आप ऑप्शंस में जो भी ट्रेड करना चाहे वो आप कीजिए। हमने पिछले हफ्ते भी सुझाया था कि ऑप्शंस में आप पुट्स बाय करके चल सकते हैं, तो सभी पुट्स के प्राइसेस आज एक हफ्ते में डबल हो चुके हैं, तो ये बहुत ही बेटर रणनीति होगी। जब भी बाउंस आता है तो आप पुट एक आधा बाय करके अपने लिए चल सकते हैं। निकल अगेन ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन वो भी थोड़ा अटक रहा है इस लेवल्स पे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, और अगर बेस मेटल्स भी थोड़ा ओवरबॉट लग रहे हैं तो हमारा मानना है कि ओवरबॉट बेस मेटल्स में थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। तो अगले हफ्ते मंडे तक की राह देखिए, वीकेंड में क्या अनाउंसमेंट्स आती है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या इमर्ज होकर आता है, इसी के बाद ट्रेड का नया नजरिया ले वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए क्रूड और निकेल को लेकर। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, इसके इंदौर से हैं। इनका सवाल है कि कच्चे तेल में अगले हफ्ते क्या होगा? रविंद्र जी क्या लग रहा है अगले हफ्ते क्रूड में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर मेरे हिसाब से क्रूड में थोड़ा सा वीकनेस ही है, लेकिन जो जो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है वो आज एक्सपायर होगा और जो नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्काउंट में है, तो हो सकता है कि एक बार ही थोड़ा सा एक पुल बैक आए प्राइसेस में। तो मेरे हिसाब से जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर 6,750-6,800 तक आता है तो आई थिंक दैट्स अ गुड सेलिंग जोन। चार्ट्स पे एक बेरिश इंगल्फिंग बना है डेली चार्ट्स पे, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है, बट सिर्फ एक ही कंसर्न है जो रशिया और यूक्रेन का जो डेवलपमेंट्स है उसे क्लोजली वॉच करना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉस 7,000 के ऊपर हो रहा है तो मेरे हिसाब से 6,800 का लेवल एक बेटर लेवल होगा, और नीचे में टारगेट मेरे हिसाब से 6,400 तक के भी हम देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 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 राइस आता है तो एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। चलिए अगले दर्शक साहिल हैं सूरत से। कॉटन केक इन्होंने 3 लॉट 3,225 रुपए 3,225 पर खरीदा है। दीपेन क्या सलाह देंगे कॉटन केक में यहाँ से? जी देखिए काफ़ी अच्छी रणनीति है, बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए 3,178 के 7,500 के आसपास का, बिकॉज अगेन कॉटन भी थोड़े हायर लेवल्स पे अटक रहा है, कुक्कुट भी हायर लेवल्स पे अटक रहा है, और अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इजीली आपको 5-7% 8% की मंदी देखने मिल सकती है। तो हमारा यही सलाह रहेगा कि आप स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, लेकिन ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है तो तेजी आने की एक्सपेक्टेशन है अगले हफ्ते में, और 3,480-3,490 के टारगेट भी आपको देखने मिल सकते हैं। 80-3,490 रुपए का टारगेट आपको दिख सकता है, आप होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूले क्योंकि मार्केट है, आपको नुकसान होने का डर हमेशा बना रहता है। चलिए अगले दर्शक इवन कॉटन पर ही हैं, वो कॉटन की एक पर थे, ये कॉटन पर है। राकेश सिंगल जी है मेरठ से, कॉटन प्राइस का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। रविंद्र जी क्या सलाह देंगे इनको, राकेश जी को, कॉटन पर? मेरे हिसाब से कॉटन में एक बेरिश पैटर्न बना है और कॉटन कंटिन्यूअसली एक अपट्रेंड में था, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा एग्जॉशन दिख रहा है ऊपरी लेवल्स पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ऑलमोस्ट 500-600 रुपए गिर सकता है कॉटन। सो जो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 37,000 तक के लेवल दिख सकता है, तो मेरे हिसाब से 38,300 का एक रेजिस्टेंस है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके राइस पे बेच सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 37,000।
चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। दानिश हैं बेंगलुरु से, अभी अभी इन्होंने सवाल भेजा है। इनका सवाल है, नेचुरल गैस और एल्युमिनियम में इंट्राडे में क्या करना चाहिए? रविंद्र जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस और एल्युमिनियम इंट्राडे के लिए? वेल, नेचुरल गैस मेरे हिसाब से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेक करके हमने एक अच्छा अपमूव देखा था टुवर्ड्स 360, उसके बाद एक थोड़ा सा डिप आया है, लेकिन जब तक कि 318 होल्ड है तब तक ये पैटर्न जो है वो सस्टेन रहेगा, तो मेरे हिसाब से 318 का स्टॉप लॉस रख के एक बार बाइंग किया जा सकता है। ये थोड़ा सा 2-3 दिन का व्यू है। और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी हम ऊपरी लेवल्स पर थोड़े से एग्जॉशन का एक देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 262 थोड़ा सा एक अच्छा स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो या तो नीचे 256-255 के आसपास आता है तो एक बार बाई कर सकते हैं, या फिर 261 के आसपास शॉर्ट कीजिए, 260-250 का स्टॉप लॉस रखिए और नीचे में 255-256 का टारगेट लीजिए। तो ये व्यू है आपके लिए दानिश जी, बेंगलुरु से इन्होंने सवाल भेजा था। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले ले, वो हैं पवन हैं कानपुर से। इनका सवाल है, क्रूड और नेचुरल गैस पर जाना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, ये भी ट्रेडर है, रेगुलर ये सवाल भेजते हैं। दीपेन, क्या सलाह देंगे इनको, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर सलाह चाहिए इनको? देखिए, टू पुट थिंग्स इन परस्पेक्टिव, आपको दर्शकों को ऐसे लगेगा कि 3600 के भाव चल रहे हैं और हम 6600 के भाव चल रहे हैं और हम क्रूड में 6800-6900 के आसपास की सेलिंग रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो 200-300 पॉइंट की मूवमेंट आ रही है, तो पहले इतनी मूवमेंट नहीं आती थी क्रूड में, लेकिन अभी ये नए प्राइस रेंज में मार्केट्स है और 4-5% की मूवमेंट वो रेगुलरली ऑन एन एवरेज क्रूड दे रहा है। तो हमारी सलाह अगेन दर्शक मित्रों को या ट्रेडर्स को यही रहेगी कि आप पुट स्पाइक करके चले, वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी, बिकॉज नो मैटर आप कितना भी डीपर स्टॉप लॉस रखे, आप 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं रख पाएंगे फ्यूचर्स में, लेकिन आपका रिस्क 100-125 पॉइंट का आप रख सकते हैं ऑप्शंस में और पूरे महीने के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपके अनफेवर में भी जाती है तो भी आपका रिस्क काफी लिमिटेड हो जाता है। तो हमारा यही सलाह होगा कि जैसे ही आपको 6800-900 के नए लेवल्स मिलते हैं नए कॉन्ट्रैक्ट में, आप वहां के पुट्स बाय करके चल सकते हैं। नेचुरल गैस अगर इंट्राडे ट्रेड करना चाहेंगे तो उससे बेटर होगा लॉटरी खरीद लीजिए या कोई दूसरा एक्शन ले लीजिए, वहां पे आपको एंटरटेनमेंट तो कम से कम मिलेगा ऑन अ लाइटर नोट, बिकॉज नेचुरल गैस इंट्राडे काम करना वो आज के जमाने में एक लॉटरी खरीदने जैसा है। तो आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइस के रिटेल ट्रेडर्स ये ना करें एक्सरसाइज, और नीचे में अगर 280-290 के आसपास भाव आते हैं तो वहां पे बाइंग करने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी, और 360-370 आते हैं तो वहां पे शॉर्ट सेल करने की कोशिश करें। नेचुरल गैस में भी अगेन ऑप्शन आ चुके हैं तो वहां पे भी आप पुट और कॉल को बाई करने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी, या फिर डायरेक्टली आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें उसकी जगह पे। चलिए अगले दर्शक है क्रिश है दिल्ली से, कॉपर इन्होंने हेवी लॉट सेलिंग कर रखी है, उनका कॉपर इन्होंने काफ़ी हेवी लॉट सेल कर रखा है, 759 के इनका एवरेज प्राइस है। रविंद्र जी, क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, कॉपर में आई वुड से कि एक ऊपर में एक स्पाइक आने के बाद प्राइसेस थोड़े से करेक्टिव मोड में हैं, लेकिन इसका जो करेक्शन है वो 760 के आसपास रुकना चाहिए, क्योंकि वो एक ब्रेकआउट जोन था, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था, उसके ऊपर जैसे ही निकला तो प्राइसेस 790 के आसपास जाके वहां से करेक्ट हुआ है, तो मेरे हिसाब से 760 बहुत क्रूशियल लेवल है, अगर उसके नीचे निकल जाता है तो फिर 749 तक के लेवल दिख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि 760 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो 760 को अगर सस्टेन करता है तो फिर से एक बार हम ऊपर में 772-775 तक के लेवल देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बेटर होगा एग्जिट करने के लिए, और अगर 760 के नीचे सस्टेन करता है तो आप फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक इट इज बेटर 760 के आसपास एक बार एग्जिट करें। तो ये व्यू है कॉपर को लेकर आपके लिए। चलिए अब किशन नासिक से है, इनका सवाल कैस्टर को लेकर है कि कैस्टर का प्राइस आउटलुक कैसा लग रहा है। दीपेन, क्या सलाह देंगे कैस्टर में? जी देखिए, अगर आप याद करेंगे तो पिछले हफ्ते ही खास करके कैस्टर में हमने बताया था कि कैस्टर अपने जो 6800 के लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा आपको नई टेरिटरी देखने मिलेगी इंडियन मार्केट्स में, ऑल टाइम हाई के आसपास के लेवल्स थे वो। अगर आप आज के प्राइस देखेंगे तो हम 7100 के ऊपर है, तो आपको वन वीक में 5-6% की तेजी देखने मिल चुकी है। हमारा अभी भी मानना है कि मार्केट आज 7वां कंसेक्यूटिव सेशन है जहाँ पे आपको पॉजिटिव रुझान देखने मिला है,
तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आ सकती है 1 से 2 सेशन के लिए, लेकिन अभी भी कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रेंड कंप्लीट हो चुकी है, अभी भी आगे जाके और लग रही है कि तेजी आने को या तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिर से हम जो जो पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, जो अब सपोर्ट बन चुका है, वहां पे आप बाई करने की कोशिश कीजिए 6,800 के आसपास, और लॉन्ग टर्म में आपको 7,300 7,400 के लेवल्स भी इस सीजन में देखने मिल सकते हैं। 800 के आसपास नीचे की तरफ खरीदें, 7,300 7,400 इस सीजन में देखने को मिल सकता है। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक योगेश जी हैं जयपुर से, ये भी रेगुलर डेली ये सवाल पूछते हैं। आज इनके पास गोल्ड 2 लॉट है, 50,200 रुपये पर खरीदा है, और क्रूड 6,735 पे। रविंद्र जी क्या करना चाहिए? दोनों इनकी लॉन्ग पोजीशन है, 2 लॉट गोल्ड और 2 लॉट क्रूड है 6,735 पे, क्या करना चाहिए इनको? वेल, मेरे हिसाब से गोल्ड में 49,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप नीचे 49,800 के आसपास एवरेजिंग कर सकते हैं, और 50,200 के आसपास आते, 200-250 के आसपास आते हैं तो निकल जाइए एक बार। और क्रूड में मेरे हिसाब से लॉन्ग रहना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा वीकर साइड पे है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। इसमें 6,400 तक के लेवल्स पॉसिबल है, अगर कोई भी थोड़ा भी बाउंस बैक आता है, क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी है, तो हो सकता है कि इनको इनका जो सेलिंग प्राइस है वो मिल जाए, तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। और जब तक कि रशिया यूक्रेन का जो डेवलपमेंट है उसमें से कोई 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 सोल्यूशन नहीं निकल के आता, आई थिंक बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम क्रूड या फिर शॉर्ट करके चल सकते। इनका एक सवाल नेचुरल गैस पे भी था, नेचुरल गैस इन्होंने 336 पे बाई कर रखा है, 336 रुपए पे, क्या करे दीपेन? देखिए नेचुरल गैस भी सेम क्रूड की तरह है, सेकंड मंथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी भी डिस्काउंट पे चल रहा है 10 रुपए के, और नेचुरल गैस में आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेडिंग करें, बिकॉज जो मूव्स आ रहे हैं वो अभी 40-40, 30-30 पॉइंट की मूव आ रही है 2-2 सेशंस में, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करना होगा। अभी नो ट्रेड जोन में है नेचुरल गैस, बिकॉज 280-290 के पास सपोर्ट है और 370-380 के पास रेजिस्टेंस है, तो नो ट्रेडिंग जोन में है। फिर भी अगर आपने बाई कर लिया है तो आज के लो के स्टॉप लॉस लगा के जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है या आपको ऊपर में प्रॉफिट मिलता है 5 से 6 पॉइंट का, तो आप एग्जिट कर ले। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि इंट्राडे ट्रेड करना नेचुरल गैस में या विदाउट यू नो व्यू ट्रेड करना नेचुरल गैस में एक लॉटरी खरीदने जैसा है, तो आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइस ट्रेडर्स को कि ऐसी गलती ना करें। चलिए अगले दर्शक है अशोक कुमार है, लेड में पूछना चाह रहे हैं। रविंद्र जी क्या करना चाहिए लेड में आज? जी लेड में मेरे हिसाब से इट इज बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट है, लेकिन 186.30 186.50 का एक रेजिस्टेंस है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक बार शॉर्ट करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस उसके नीचे सस्टेन कर रहा है जो कि एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, तो मेरे हिसाब से उसका स्टॉप लॉस रख के एक बार बेच सकते हैं, बट बेटर होगा कि अवॉइड करें, क्योंकि बहुत रेंज बाउंड मार्केट है लेड का और एक साइडवेज मूव चल रहा है, तो आई थिंक दोनों बाजू मूव करेगा ये, बट अगर फिर भी ट्रेड लेना है तो आई थिंक शॉर्ट साइड में ले सकते हैं 186.50 का स्टॉप लॉस के साथ और 183-182 का टारगेट ले सकते हैं। ओके, पवन है नागपुर से, ये हाजिर में इन्होंने गोल्ड खरीद रखा है, ये जानना चाह रहे थे कि 2030 तक गोल्ड का प्राइस क्या होगा। रविंद्र जी काफी लंबा व्यू ये जानना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे इनको? बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कल क्या होगा बोल नहीं सकता, इतना अनसर्टेनिटी है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में और सभी जगह, तो मेरे हिसाब से देखिए गोल्ड अगर 2030 की बात कर रहे हैं तो आई थिंक गोल्ड, एक तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि गोल्ड हर एक के पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी के चलते आई थिंक गोल्ड आपका पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा, तो मेरे हिसाब से 10-15% जो एलोकेशन है वो गोल्ड की तरफ होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टेड रहिए गोल्ड में, 2030 तक आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे इसमें, कितना मिलेगा वो कहना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक श्योरली बने रहना चाहिए और इन्वेस्टेड रहना चाहिए गोल्ड में। यानी लंबी अवधि का नजरिया, तो आप बने रह सकते हैं, अब तक जो हिस्टोरिकल रिटर्न है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं और एनुअलाइज बेसिस पे 6-7% का तो आपको रिटर्न मिल जाना चाहिए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, सुब्रत सिन्हा है ग्वार सीड, इन्होंने 6,408 रुपये पर खरीदा है। दीपेन क्या सलाह देंगे इनको? अभी तो इनके बाइंग प्राइस के नीचे है भाव, 6,408 की बाइंग है इनकी ग्वार सीड।
देखिए, हाँ, ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही काफी साइडवेज चल रहे हैं काफी समय से, और वो जो भी उनके स्पॉट आते हैं भाव में वो फिर कैप हो जाते हैं ऊपर की तरफ। तो हमारा मानना ऐसा है कि आप ग्वार गम ग्वार सीड में थोड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग ना करके एक से दो सेशंस का व्यू रख के ट्रेडिंग करें, वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी जब तक एक क्लियर यू नो ट्रेंड इमर्ज होके नहीं आता है। आई थिंक 6200 काफी अच्छा लेवल्स है बाई करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6180 के आसपास का स्टॉप रखे और उसी के बाद अपनी पोजिशन में बने रहे। अगर अगले हफ्ते ब्रेकआउट आता है तो आपको काफी अच्छे लेवल्स और काफी स्पीड से देखने मिलेंगे, तो 6180 के स्टॉप लॉस से अपनी पोजिशन में बने रह सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की, जहां जबरदस्त रफ्तार दिख रही है और इस रफ्तार को लीड कर रहा है हल्दी का वायदा, 4% के आसपास की तेजी है। देखिए 10,200 के आसपास अभी भी बना हुआ है। इसके बाद जीरा, जीरा मार्च वायदा अब 22,100 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, 2.5% की तेजी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट है, पुरुषोत्तम मुंद्रा जी है, प्रेसिडेंट है जोधपुर जीरा मंडी एसोसिएशन के, और साथ ही हमारे साथ प्रेमचंद मोटा है जो हल्दी ट्रेडर है, जाने माने हल्दी ट्रेडर है। सबसे पहले पुरुषोत्तम जी, ये जीरे में क्या हो रहा है, जीरे में कितनी तेजी लग रही है और ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है, ग्राउंड पर क्या इस तरह के हालात है कि जीरे में इतनी तेजी आए? जीरे की फसल के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि जो पिछली साल में जो सोइंग हुई थी, इस बार जो सोइंग पिछले साल की तुलना में लगभग 50% कम हुई। ओके। सोइंग कमजोर कमजोर होने के साथ साथ अभी पिछले 15 दिनों से जो बीच में बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद में जो पछवा हवा चल रही है, वो से खड़ी फसल में लगभग 30-40% का नुकसान होगा और ये नुकसान आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो पिछले साल 80-85 लाख बोरी का क्रॉप था, वो इस बार अभी तक के अनुमानों के हिसाब से 40 लाख बोरी के आसपास ही मानकर चलना चाहिए। चलिए अब हल्दी, प्रेमचंद मोटा जी, अब आप बताइए कि हल्दी में जो जिस तरह की तेजी हम देख रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल लग रहा है और क्या ये यहाँ पर सट्टेबाजी तो नहीं हो रही है? प्रेमचंद मोटा जी, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है प्रेमचंद मोटा जी के पास। पुरुषोत्तम जी, हल्दी को लेकर क्या रिपोर्ट है? हल्दी में फसल नुकसान की खबर तो आ रही है, लेकिन जिस तरह की तेजी हम लगातार देख रहे हैं, क्या ये टिकाऊ आपको लग रही है हल्दी की तेजी? हेलो, हाँ हाँ जी बताइए। हल्दी के व्यापार का आइडिया नहीं है, मेरे मेन व्यापार जीरे का सब। चलिए प्रेमचंद मोटा जी से उनसे सवाल लेंगे। उससे पहले सर जीरे पे एक और सवाल है। सर जीरा, अगर आपको अगर किसी का मीडियम टर्म का नजरिया है तो आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक जीरे का भाव जा सकता है? जीरे का भाव अगर मान लो जो अभी एक्सपोर्ट की डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड निकलेगी, तो जीरे का भाव इस साल मतलब लाइफ टाइम में जो अभी हाई के लेवल पर चल रहा है, ये मई जून में 25,000 से 27,000 के भाव देखने को मिल सकते हैं, 27,000 तक के टारगेट आ सकते हैं। चलिए अब दीपेन, आपको क्या लग रहा है हल्दी में जिस तरह की तेजी आई है, आपको लग रहा है कि हल्दी की तेजी टिकने वाली है? ये हल्दी अगर हम पिछले एक हफ्ते का रुझान देखें तो एक रेंज में रही है, 9,700-9,800 से 10,450-10,500। तो आज जो आप तेजी देख रहे हैं वो 3 हफ्ते के सेलिंग के बाद एक अपने ऊपर के रेंज के तरफ आया है। तो बेसिकली ये जो 3 दिन की मंदी हुई थी वो उसको खाली कवर किया है, प्रॉपर तेजी नहीं आई है, प्राइसेस में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है। हमारा मानना ऐसा है कि जीरे के बाद हल्दी और धनिया, धनिया बींग फर्स्ट और उसके बाद हल्दी, ये दोनों ही आपको परफॉर्मेंस भी दिखाते हुए दिखेंगे। और अगर 10,600-10,700 के ऊपर हल्दी जाती है तो उसमें भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है, लेकिन क्योंकि जीरा के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और हल्दी के प्राइसेस अभी रेंज में है, आई थिंक धनिया एक आइडियल कमोडिटी है, आप उसमें बाइंग करके चल सकते हैं, वो आपको अच्छे रिटर्न आने वाले 2 से 3 महीने में दिखा। अब हमारे साथ प्रेमचंद मोटा जी भी जुड़ गए हैं। सर जिस तरह से हल्दी में लगातार तेजी देखी जा रही है, एक साल में 35% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है, आपको लग रहा है कि हल्दी के फंडामेंटल्स इतने सपोर्टिव है कि इतनी तेजी वाजिब आपको दिख रही है? नमस्कार। एक्चुअली आज जो तेजी आई है हल्दी में 350-400 रुपया प्रति क्विंटल की, उसमें क्या हुआ, एक्चुअली स्पॉट में भाव बढ़ा नहीं है और वायदे में भाव बढ़ा दिया है। आज भी निजामाबाद में लूज मार्केट में डिमेट क्वालिटी हल्दी परचेस करते हैं तो लूज में 78-79 का रेट है, जो आड़त और शॉर्टेज 2% पकड़ करके 84 का पर्तर होता है। आज 84-85 की कॉस्ट प्राइस की हल्दी के ऊपर में वायदा यदि 103-103 रुपये होता है तो ये एक्चुअली गलत है। क्यों, और यह पब्लिक को मिसलीडिंग है कि पब्लिक सही रिपोर्ट वहां
नहीं मिल रहा है कि खास क्या भाव खरीद होती है। हाँ, इसमें इसमें करीबन आपको 7% पर मंथ का रिटर्न छूट रहा है आज के भाव में। तो जिसके पास में भी एनसीडीएक्स क्वालिटी माल लिया हुआ हो। हेलो, सुन रहा हूँ सर, बोलिए। हाँ, एनसीडीएक्स क्वालिटी माल लिया हुआ हो या वायदा परचेस किया हुआ हो तो उनको भी एक बार इसका प्रॉफिट खाना चाहिए, क्योंकि स्पॉट में बाजार सब जगह काफी नीचे है। Okay. तो कृत्रिम करके वायदे में ऊंचा बाजार, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि 108.9 जो वायदा चल रहा था कि अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, उसके बाद में भाव 97-98 हो गया था। तो वैसा अभी भी वापिस ये बाजार जो स्पॉट ऊंचा नहीं है बोल के वायदा को घटना पड़ेगा। Okay. वायदा ऊंचे भाव में टिक नहीं सकता है। ओके, यानी इनको भी लग रहा है, आज जितने भी एक्सपर्ट से बात की तो वो यही मान रहे हैं कि हल्दी की तेजी टिकाऊ नहीं लग रही है, स्पॉट के भाव काफी कम है, तो ये इसमें मुनाफा वसूली करने की सलाह ज्यादातर जानकार दे रहे हैं। शुक्रिया प्रेमचंद मोटा जी आपका, पुरुषोत्तम मुंद्रा जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और जीरे और हल्दी पर अपनी राय दी। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, दीपेन आपका, आप दोनों ने भी वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन